सबसे पहले जी मैं यहाँ पे करने लग गई हूँ गैस ऑन, और उसके ऊपर मैंने रख दिया है एक छोटी पतीली, और उसके अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 बड़े कप के अकॉर्डिंग पानी। उसे डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच से साबुत धनिया लिया है, और मैं लूंगी 2 बड़े चम्मच से सौंफ। अच्छा, हमें ना इसके पानी को उबालना है, और पानी जब उबल जाएगा ना, तो ये जो सौंफ और धनिया का जो पानी आएगा ना, ये बहुत ज़्यादा खुशबू वाला पानी होता है। इसे हम बिरयानी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तहरी में यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी तहरी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। अच्छा, मेरी सारी चीज़ें ना पहले से ही कट करके रख लेती हूँ ताकि खाना बनाने के टाइम पर ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे ले लेना है एक कुकर, और कुकर में मैंने यहाँ पे डाला है भरपूर ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है ना वो तहरी हो चाहे बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, उसमें ऑयल जो है ना वो भरपूर ही होना चाहिए ताकि सूखा ना लगे। अब उसमें मैंने डाल दिया है 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, ये मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 जावित्री का फूल, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 तेज़पत्ता, और 1-1 चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च और ज़ीरा। अब इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉटे करने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, और एक कली मैंने लहसुन का लिया है, जो कि कली जो थी ना मेरी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। और 1/2 टुकड़ा जो है वो अदरक लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर लेना है प्याज को अच्छे से ब्राउन। जब हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, उसको डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और उसके बाद दिल पे पत्थर रख के, मैंने मेकअप तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 टमाटर का यूज़ किया है, क्योंकि यार टमाटर बड़े महंगे हो रहे हैं। टमाटर डालने के बाद, थोड़ा सा चलाने के बाद हमें क्या करना है, अब जो है ना इसको हल्का सा और थोड़ा सा हम ना इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर थोड़े से गल जाए, और जो हमारी जो हरी मिर्च है ना वो भी, उसका भी फ्लेवर हमारे प्याज के साथ उतर जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़े कप से ना चने का दाल भिगो के रखा हुआ था 2 घंटे पहले से ही, तो अब मैंने वो इस्तेमाल किया है यहाँ पे, वो डाल रही हूँ मैं। तो चने के दाल वाली जो तहरी होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। अब उसे डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और 1 शिमला मिर्च मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे भी इसमें डाल दिया। अब इसे चलाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप के अकॉर्डिंग दही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और गाढ़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च जीरे का भुना हुआ पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार बस। और अब इसे अच्छे से चला दीजिए, बहुत अच्छे से। इसे अच्छे से चलाने के बाद ये तहरी जो बनी थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब कि मैंने बनाई तो बहुत सारी थी, लेकिन थोड़ी ही बची, खाने के बाद भी भूख लग रही थी सबको। कि कहते हैं ना कि पेट भर जाता है मन नहीं भरता, वही वाला हाल हुआ था। अब हमें क्या करना था, हमें ना इसे चलाते रहना है ताकि इसका जो पानी है ना वो छूट जाए। जब पानी बहुत अच्छे से छूट जाएगा, हमारी ग्रेवी बन जाएगी, मतलब ग्रेवी टाइप का हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 kg चावल को भिगो के रखा हुआ था, तो वो चावल मैंने डाल दिए। और ये जो अलग से चावल मैं डाल रही हूँ ना, ये मेरे पास जो रात के चावल बचे हुए थे, मैंने उन्हें भी यूज़ कर लिया है ताकि वो वेस्ट ना हो। उसके बाद जो हमारा सौंफ और धनिया का पानी था, मैंने उसमें ये डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच से मैंने मिर्च का अचार डाला है, क्योंकि जो खट्टापन आएगा ना तहरी के अंदर, वो और भी ज़्यादा लजीज हो जाएगा। हमारे जो ये तहरी जो बनकर आएगी ना, वो बहुत अच्छी बनेगी, और मिर्च के अचार से ना थोड़ा सा बिरयानी का फ्लेवर आ जाएगा, और सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत मज़े का बना। अच्छा, जो पानी जो चेक करती हूँ ना, मैं उंगली डालकर ही चेक करती हूँ, और इसी तरीके से आप लोग जैसे चेक करते हैं वैसे चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़े से 5 से 6 पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, और 2 सीटी लगाने के बाद इसे लो फ्लेम पे कम से कम 10-12 मिनट के लिए फिर छोड़ देना है। उसके बाद जो हमारी जो खिचड़ी बन के आई थी ना, ये देखिए आप लोगों के सामने ही है, कितनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत टेस्टी। इसे अचार के साथ, प्याज के साथ, जैसे मर्ज़ी आप चाहे खा सकते हैं, बहुत लजीज बनी थी। और इसी के साथ एक चीज़ और, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये बहुत शॉर्टकट वीडियो है, वीडियो नहीं रेसिपी है, इसे बनाइए खाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।